तो आने वाली है टोयोटो की कुछ ऐसी कार्स जिनके लॉन्च होने के बाद तो शायद ही किसी कंपनी की कार्स बिकेंगी। तो टोयोटो की चार कार लॉन्च होने वाली है 2020 में। 2020 में बहुत ही कंपनियों की, सारी कंपनियों की लगभग बहुत सी कारें लॉन्च होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम टोयोटो की बात करेंगे। तो टोयोटो की पहली कार है टोयोटो प्रियस। टोयोटो प्रियस एक सेडान कार है जो कि बहुत ही अच्छी, जैसा कि आप देख सकते हैं लुक्स कितने सुंदर है इसके फ्रंट और रियर से। बाकी टोयोटो के इंजन तो होते ही बढ़िया है, आपको भी पता है। इसमें आपको 5 स्पीड का गियर ट्रांसमिशन मिलेगा जो कि सही है। बाकी ये स्विफ्ट डिजायर वगैरह से कम्पीट करेगी, तो बहुत ही सुंदर कार है उनके कंपैरिजन में ये। बाकी इसमें आपको पेट्रोल डीजल दोनों मिलेगा। बाकी अभी पता नहीं कि कंपनी डीजल शायद ही दे या पेट्रोल भी अकेला ही सकता है। इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो 2020 लास्ट में ये लॉन्च हो जाएगी, जैसे कि न्यूज़ निकल के आ रही है ये नवंबर दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगी। बाकी तो अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है कि 2021 में शुरू में भी हो सकती है लॉन्च, तो अभी कंपनी इसे डिले भी कर सकती है और जल्दी भी लॉन्च कर सकती है। बाकी कार बहुत ही अच्छी आने वाली है, इसकी एवरेज बहुत ही अच्छी आएगी जैसा कि टोयोटो कह रही है। बहुत ही अच्छी एवरेज वाली सेडान कार आएगी ये मार्केट में। इसकी एवरेज 25 से 27 KMPL तक की बताई जा रही है टोयोटो के द्वारा। सेकंड कार की बात करें तो सेकंड कार है टोयोटो की न्यू वियोस। टोयोटो की न्यू वियोस भी सेडान कार ही से आप कह सकते हैं, बस ये थोड़ी सी हाई लेवल की सेडान कार आ जाती है। जैसे कि आपको टोयोटो की पिछली कार मिलती थी, ये उससे थोड़ी सी हाई लेवल की आ जाती है, जो कि वरना वगैरह के सेगमेंट में आ जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर कार है। अगर आप इसे देखें तो इसमें आपको इंजन वगैरह भी बड़ा मिलेगा जैसा कि आपको वरना वगैरह में मिलता था। बाकी इसके लुक्स भी आपको बहुत ही शार्प सा लुक मिलता है, आपको इसमें प्रीमियम सा लुक मिलता है। अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये भी 2020 लास्ट तक की लॉन्च होगी। तो टोयोटो अपनी सारी कारें लॉन्च कर रहा है, सारे सेगमेंट में लगभग नई नई कारें लॉन्च कर रहा है टोयोटो, तो बहुत ही जल्द आने वाली है ये भी कार। ये कार डीजल और पेट्रोल दोनों में आएगी। और अगर इसकी हम माइलेज की बात करें तो 17 से 20 KMPL तक इसकी आपको माइलेज मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी है। बाकी आपको इस कार की अभी तक प्राइजेस तो सामने आई नहीं है, बाकी 10 से 15 लाख के बीच में तो ये आएगी एक्सपेक्टेड प्राइजेस इसकी, इससे तो कम होने नहीं वाली, क्योंकि ये परफेक्ट सेडान के वेरिएंट में आ जाती है, इसलिए इसका प्राइस 10 से 15 लाख तो पक्का हो गई होगा। बाकी लुक्स भी बहुत अच्छे हैं आपको कार के दिख ही रहे होंगे इमेज में। थर्ड बात करें तो टोयोटो की करोला एल्टिस। अब आप ये कहेंगे कि करोला एल्टिस तो पहले भी आती होती थी, पर ये उसका बिल्कुल चेंज वर्जन है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट बिल्कुल चेंज कर दिया है, ग्रिल वगैरह, और साइड में भी आपको अलॉयज वगैरह बड़े मिलने लग गए हैं। बाकी लुक भी इसका बहुत सुंदर कर दिया गया है पहले से। पहले इसको बहुत कम लोग पसंद करते थे। अगर आप इसके बोनट के डिज़ाइन को देखें तो वो भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। बाकी कार बहुत ही अच्छी बना दी गई है ये कंप्लीट करती है इलेंट्रा वगैरह से, जो कि वरना से भी ऊपर के सेगमेंट में आ जाती हैं। है ये भी सेडानी है, वो भी सेडानी, पर इनमें आपको इंजन ऑप्शन थोड़े से बड़े देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 1800 CC, 2000 CC। अगर हम इस कार की प्राइसेस की बात करें तो 17 से 20 लाख तक इसकी प्राइसेस आएंगी आराम से, क्योंकि ये बड़े वाले वेरिएंट में आ जाती है, बड़ी SUV में आ जाती है ये, इसीलिए इसकी इतनी प्राइसेस रहेगी। बाकी पेट्रोल डीजल दोनों में आएगी। 15 से 17 KMPL की इसमें आपको एवरेज देखने को मिला करेगी, जो कि पहले भी इतनी हुआ करती थी। पहले करोला एल्टिस का लुक अच्छा नहीं हुआ करता था, अब इसका लुक बहुत ही शानदार बना दिया है, जिससे कि इलेंट्रा वाले बहुत से कस्टमर टोयोटो की तरफ जाने की सोचेंगे। नेक्स्ट बात करें तो एक सब 4 मीटर SUV जिसे आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू लॉन्च होगी टोयोटो की। ये है टोयोटो की CHR। टोयोटो की CHR बहुत ही अच्छी, मतलब टोयोटो कह रही है कि हमारी इस कार में सेफ्टी सबसे अच्छी मिला करेगी। बाकी आपको बिल्कुल न्यू लुक मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको डोर भी एक ही मिलता है जैसा कि इमेजेस में दिखा रखा है। बाकी तो टोयोटो के लॉन्च करने के बाद या ऑटो एक्सपो में दिखाने के बाद ही पता लगेगा। बाकी बहुत ही सुंदर कार है ये भी। अगर इसकी हम प्राइजेस वगैरह की बात करें तो इसकी भी प्राइजेस 8 से 12 लाख के बीच में आएगी, बाकी अभी तक एक्सपेक्टेड प्राइस है, बाकी तो लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा। ये कार भी पेट्रोल और डीजल में आएगी, ये कार CNG में भी आ सकती है,
जो कि बड़े शहर हैं उनमें सीएनजी कार की वो ज़रूरत होती है, तो ये एक छोटी कार होने में सीएनजी में भी आ सकती है, ताकि बड़े शहरों में सीएनजी की सेल ज़्यादा हो। सीएनजी से प्रदूषण भी कम होता है, इसीलिए कंपनी कर सकती है इसे सीएनजी में लॉन्च। इसके अगर लॉन्चिंग की बात करें तो 2021 स्टार्टिंग में इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी लुक्स आपको इसमें बहुत ही सुंदर मिलते हैं, आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी के लुक्स। बाकी इसका मैं कंप्लीट रिव्यू भी बना दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें हर उस रिलेटिव से जो टोयोटा की कार लेना चाहता है। मैं बात करूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।